दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले एक और नए स्मार्टफोन के बारे में। Vivo की तरफ से Vivo X70 सीरीज बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, पॉसिबली सितंबर के एंड तक ये वाली सीरीज जो है इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी। चाइना में वैसे ही स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं। Vivo X70 सीरीज में 3 स्मार्टफोन्स चाइना में लॉन्च किए गए हैं, लेकिन इंडिया में आपको 2 ही स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिलेंगे। Vivo X70 रहेगा और Vivo X70 Pro रहेगा। Pro Plus शायद आपको इंडिया में देखने के लिए ना मिले। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo X70 से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन यहां पर आपको मिलने वाली है, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च होने वाला है, ओवरऑल कैसा रहेगा फोन, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो फुल ग्लास बिल्ड यहां पर आपको मिलेगा, ग्लास फ्रंट रहेगा, ग्लास बैक रहेगा। फ्रंट में आपको शॉर्ट सेंसेशन वाले ग्लास का प्रोटेक्शन मिल सकता है, बैक में आपको एंटी ग्लेयर मैट ग्लास देखने के लिए मिल सकता है। तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर अच्छी रहेगी भाई। और डिजाइन की अगर बात करें तो Vivo X सीरीज के जो फोन रहते हैं डिजाइन में तो टॉप क्लास रहते हैं भाई, कभी भी हमको शिकायत नहीं आई है। इस बार भी सेम होने वाला है, बढ़िया वाली डिजाइन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बैक पैनल की बात करें तो टॉप लेफ्ट में आपको रेक्टेंगल शेप कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग है। एलईडी फ्लैश आपको मिल जाता है, वीवो की ब्रांडिंग पीछे की तरफ दी गई है। फ्रंट में अगर बात करें तो फ्लैट डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है, सेंटर पंचोल के साथ में आता है, पतले पतले से बेजल से बहुत ही पतली सी चिन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। एंड कलर्स की बात करें तो ब्लैक कलर में, व्हाइट कलर में, डॉन कलर में, 3 कलर्स में आपको फोन देखने के लिए मिलेगा। तीनों कलर तगड़े कलर से भाई, तो देखने में फोन काफी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिल जाती है, तो बिल्ड एंड डिजाइन में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। डिस्प्ले की अगर बात करें 6.56 इंचेस का यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलेगा, तो डिस्प्ले का साइज काफी अच्छा है भाई। 6.56 इंचेस का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये जो सुपर एमोलेड पैनल रहने वाला है ये 8 बिट का पैनल रहेगा, 10 बिट पैनल यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, 8 बिट का एमोलेड पैनल मिलेगा। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 398 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए तो डिस्प्ले बढ़िया रहने वाला है, आपको ज्यादा शिकायत उसमें नहीं आने वाली है। हाँ, 10 बिट का पैनल अगर होता तो कलर्स और ज्यादा बेटर आपको देखने के लिए मिलते, लेकिन अभी इस फोन में आपको 8 बिट का पैनल मिलेगा। गेमिंग की अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर आपको मिलता है, एंड पॉसिबली 300 हर्ट्ज के आसपास आपको टच सैम्पलिंग रेट मिल सकता है। सो यस, गेमिंग के लिए भी डिस्प्ले बढ़िया रहने वाला है। ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। HDR 10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन शायद यहां पर आपको मिल सकता है, वाइडबैंड L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। सो डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस की बात करते भाई, इस फोन को शक्ति प्रदान करने के लिए इस फोन में आपको मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 चिपसेट। यस, Vivo X60 में 870 दिया गया था, यहां पर आपको डायमेंसिटी 1200 दिया गया है। तो परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलेगी X60 के कंपैरिजन में। चिपसेट के बारे में अगर बात करें तो 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, तो एनर्जी एफिशिएंसी काफी अच्छी रहेगी, हीटिंग का इशू आपको काफी कम देखने के लिए मिलेगा। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 3.0 GHz की पीक क्लॉक स्पीड यहां पर आपको मिलती है, 4 A78 वाले कोर्स मिलते हैं, एक 3.0 पे है, बाकी 3 2.6 GHz पर आपको मिलते हैं। तो सो सीपीयू परफॉर्मेंस तो आपको बढ़िया मिल जाएगी भाई, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM Mali G77 MC9 GPU मिलता है, जो कि बढ़िया गेमिंग आपको करा देगा, ग्राफिक रिलेटेड टास्क, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। LPDDR4X RAM मिलेगी एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज मिलेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में आपको शिकायत कुछ भी नहीं आने वाली भाई, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन Vivo X60 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी डाउनग्रेडेड परफॉर्मेंस यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी, परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। आगे चलते भाई, बात करते हैं कैमरास के बारे में। Vivo की जो X सीरीज रहती है वो कैमरा सेंट्रिक सीरीज रहती है भाई, कैमरा हमेशा तगड़ा तगड़ा देखने के लिए मिलता है। इस बार भी काफी तगड़ा कैमरा सेटअप यहाँ पर दिया गया है, 3 कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलेगा। जो प्राइमरी कैमरा दिया गया है वो दिया गया है 40 megapixels का, यस 40 megapixels का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि सोनी IMX766V सेंसर के साथ में आता है। एंड उसी के साथ में यहाँ पर आपको 5x स्टेबिलाईजेशन देखने के लिए मिलता है, तो ये काफी अच्छी बात है। सेंसर का भी यूज काफी अच्छा किया गया है, तो स्टिल फोटोग्राफ भी अच्छे आने वाले हैं, एंड स्टेबलाइजेशन भी यहां पर आपको काफी अच्छा मिलता है भाई, तो वीडियोग्राफी में भी आपको मजा आने वाला है, स्टेबल वीडियोस निकल करके आएंगे। सो प्राइमरी कैमरा तो काफी अच्छा दिया गया है। सेकेंडरी कैमरा की अगर बात करें तो 12 मेगापिक्सल्स का यहां पर आपको पोर्ट्रेट लेंस दिया गया है, जो कि आता है सोनी IMX663 सेंसर के साथ में,
50mm की फोकल लेंथ यहां पर आपको मिलती है, 2x ऑप्टिकल जूम यहां पर आपको मिलता है, सो पोर्ट्रेट लेंस भी यहां पर काफी अच्छा दिया गया है। एंड जो तीसरा कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एंड अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से प्रोबेबली 120 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू पर आप फोटोज कैप्चर कर पाएंगे। सो कैमरा सेटअप रियर पैनल में काफी अच्छा दिया गया है, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 60fps तक। एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, एंड सेल्फी कैमरा से भी 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप काफी अच्छा मिलने वाला है, एंड वीवो की एक्स सीरीज का जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन रहता है वो काफी अच्छा रहता है, और कैमरा क्वालिटी इस बार आपको और ज्यादा बेटर देखने के लिए मिल सकता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको जीस ऑप्टिक्स के साथ में कोलैबोरेशन देखने के लिए मिल जाता है, जीस टी स्टार की यहाँ पर आपको कोटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो कैमरा से एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है और कैमरा उतना ही बेटर परफॉर्म भी करने वाला है। कैमरा मॉड्यूल में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर आपको तगड़ा मिलता है। बैटरी की अगर बात करें तो 4400mAh की बैटरी आपको दी गई है, और 4400mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए 44 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, और 44 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। सो 4400mAh की बैटरी है, 44 वॉट की चार्जिंग है, 44 वॉट का चार्जर है। बैटरी मॉड्यूल यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाता है, बैटरी मॉड्यूल में कोई शिकायत नहीं आएगी। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm का खड्डा नहीं मिलेगा। यस, 3.5mm जैक इस फोन में आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करें तो यहां पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे, उसमें आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है। साथ ही साथ इस बार आपको यहां पर IR ब्लास्टर भी देखने के लिए मिल सकता है, तो ये काफी अच्छी बात है। एक आधा एडिशनल सेंसर ही आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है, सो सेंसर में आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में मिलेगा फनटच OS 11। फनटच OS 11 में थोड़े बहुत एड्स रहते हैं भाई, स्पेशली जो ऐप गैलरी है फनटच OS की, वहां पर काफी सारे एड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, नोटिफिकेशंस काफी सारे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ब्लोटवेयर्स भी रहते हैं, लेकिन ब्लोटवेयर्स को आप अनस्टॉल कर सकते हो और नोटिफिकेशंस को आप टर्न ऑफ कर सकते हो, और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहता है सॉफ्टवेयर का वो अच्छा रहता है भाई। मतलब जितना इवॉल्व हुआ है फनटच OS 11, पहले बहुत ही ज्यादा खराब हुआ करता था, लेकिन अब एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। स्पीकर्स की अगर बात करें तो शायद यहां पर आपको सिंगल स्पीकर्स देखने के लिए मिलेंगे, एंड कार्ड स्लॉट शायद आपको इस फोन के अंदर देखने के लिए ना मिले। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशंस को देखा जाए तो स्पेसिफिकेशंस डिसेंट है भाई, कैमरा सेंट्रिक फोन है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको चिपसेट भी अच्छा मिल जाता है, डिस्प्ले अच्छा मिल जाता है, बैटरी भी अच्छी मिल जाती है। सो यस, स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो 8GB प्लस 128GB और 12GB प्लस 256GB, दो वेरिएंट्स में आपको ये फोन इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है, एंड बताया जा रहा है कि ये वाला जो स्मार्टफोन है तकरीबन उसी प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जा सकता है जिस प्राइस पॉइंट पर वीवो X60 लॉन्च किया गया था। मतलब 40,000 के आसपास ये वाला स्मार्टफोन 8GB प्लस 128GB में आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि 40,000 के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस कैसे लगे आपको, कि आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।